गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, ऑल फाइन, ओके। घर में हो? काफ़ी ठीक हो, काफ़ी सेफ फील कर रहे हो, है ना? और स्टडी का बर्डन भी बढ़ गया है क्योंकि हमारी क्या हो रही है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ओके। और थैंक यू सो मच कि जो भी मैं उन सभी बच्चों को, जो भी मैं आपको वर्क देती हूँ होमवर्क में, आप मुझे रिटर्न में उसके आंसर्स भेजते हो। आई मेक श्योर कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगता होगा, थोड़ा सा टाइम स्टडी के लिए आप टाइम स्पेंड करते हो, है ना। एंड स्पेशली मम्मा लोगों को भी थैंक यू, पापा को भी थैंक यू, जो आपके लिए आपका टाइम ले भी रही है और आपको टाइम दे भी रही है, है ना। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। प्लस आप मुझे जो लिखकर भेजते हो, राइट डाउन करके जो भेजते हो, वो सफिशिएंट नहीं है, आपको उसे लर्न भी करना है। जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर जो भी करवाया था, वेयर एम आई, यस, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न भी करना है, है ना। आने वाले कुछ टाइम बाद हम जब आपका ओरली टेस्ट लेंगे, रिटन में टेस्ट लेंगे, तो आई मेक श्योर कि आप सभी बच्चों को वो सॉल्व करते आना चाहिए। हार्डली स्पेलिंग्स होती हैं जो कि आपको लर्न करना है, है ना। और जो भी सिली सिली वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग हैं, वो आपको खुद पता करना होगा। उसमें चैप्टर में देखना होगा कि कौन से वर्ड हार्ड है और वो आप मुझसे पूछोगे, है ना। क्वेश्चन क्या है उसे समझना, आंसर क्या है उसे समझना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे समझाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है ना। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था? यस, हमने, हमारा सेकेंड चैप्टर था, ओके, गोइंग प्लेसेस, है ना। उसमें हमने क्या देखा था? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ, देयर आर कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं? 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके। विच, यस, कौन कौन से? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट। मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था कि कौन से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या क्या होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है? रोडवे, जो रोड से होकर, हाँ, जाता है सामान एक जगह से दूसरी जगह। ये सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाई थी, है ना। और उसके साथ साथ क्या बताया था? हाँ, 2 ट्रांसपोर्ट कौन से हैं जो आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हो। आवर स्कूल, कैसे जाते हो आप स्कूल? बस या वैन से। देन मार्केट, हाँ, आपकी पर्सनल, कौन से, स्कूटर से या फिर ऑटो रिक्शा से। लगेज ज़्यादा हो तो हम ऑटो से ट्रैवल कर सकते हैं, और हमारा खुद का लगेज हो, ज़्यादा ना हो, हम जिसे सेफली स्कूटर में, हमारी खुद की बाइक में ले जाना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, जाएंगे, ओके। अनादर सिटी, यस, अनादर सिटी, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना, जिसके, किसके ज़रिए? बस या किसके, कार के ज़रिए। कार हर किसी के घर में नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, बस की फैसिलिटी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बस से जाना प्रोवाइड करते हैं। और जिसके घर में कार होती है, ओन फैसिलिटी होती है, तो वह अपने खुद के कार से जाना पसंद करते हैं, ओके। अनादर कंट्री, क्या था अनादर कंट्री? यस, एक शहर से, एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करना, जो कि किससे पॉसिबल हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन से, सेकेंड एरोप्लेन से। हर कोई प्लेन से अफोर्ड करता है क्या जाना? प्लेन से नहीं ना, तो वह लोग क्या करेंगे, उनके पास सेकेंड ऑप्शन होता है ट्रेन से ट्रैवल करना। बट ट्रेन से भी ट्रैवल करना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। काफ़ी सारे, मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग किससे जाना पसंद करते हैं? ट्रेन से जाना, बिकॉज ट्रेन से जाना कम समय में वह अपने निर्धारित स्थान पे पहुंच जाते हैं, और क्या होता है, कंफर्टेबल फील भी होता है, आरामदायक उनकी यात्रा भी होती है। और आगे बढ़ते हैं, है ना। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है?
बाइसिकल, टांगा, रिक्शास, ओके, बस, कार, स्कूटर, हाँ, कौन कौन से? सम व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, कार, बसेस एंड ट्रेन्स हेल्प टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस इन अ सिटी। बताया था जैसे कि मैंने कि ये सब चीज़ें लॉन्गर डिस्टेंस मीन्स दूर तक की यात्रा को भी कम समय में क्या कर सकते हैं, हाँ, जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। दे मूव फास्टर, कैसे? फास्टर, स्पीडली, कैसा? स्पीड में जाकर अपना अपनी क्या कह सकते हैं उसको, किलोमीटर्स जो होते हैं, है ना, टाइमिंग, उसे कवर करके अपने निर्धारित स्थान पे ये पहुंच सकते हैं। दिस व्हीकल्स यूज पेट्रोल आर डीजल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, मैंने आपको यह पॉइंट नहीं बताया बट अब बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए या तो पेट्रोल यूज़ होता है या तो डीजल यूज़ होता है। आप पानी डालकर गाड़ी लेकर जा सकते हो क्या मार्केट में? नहीं, वो तो क्या होगा, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, कहीं मूव ही नहीं करेगी, वन टाइम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होगा, जा ही नहीं सकती। तो हमें इसके लिए भी किस चीज़ का यूज़ करना होगा? स्कूटर के लिए पेट्रोल और बड़ी गाड़ी के लिए बस किसका? डीजल का यूज़ करना होगा। तो इसी के ज़रिए हम हमारी ट्रैवलिंग क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, ट्रेन आर आल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट। बताया था मैंने आपको कि ट्रेन भी क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वह डिफरेंट सिटी में वे करती हैं। फर्स्ट, यस, मोर पीपल कवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय ट्रेन, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रैवलिंग है वह ट्रेन के ज़रिए क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, है ना। ट्रेन्स अराइव एंड लीव फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड रन ऑन ट्रैक। क्या होती है ट्रेन, कहाँ से अराइव होती है? अराइव होना मीन्स स्टेशन से निकलना और रेलवे ट्रैक के ज़रिए अनादर ट्रैक पर जाना, अनादर स्टेशन, अनादर सिटी में पहुंचना, यह क्या है, ट्रेन का यूज़ है। ओके, इसके बाद, यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। तो उसकी एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ हमारे इसमें पेज नंबर 15 में दी हुई है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ फ्लाइट। ओके, मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज ए फैमिली इन अमेरिका। बहुत सालों पहले की बात है, एक फैमिली जो अमेरिका में रहती थी, मदर, फादर एंड देयर 7 चिल्ड्रन लिव हैप्पीली टुगेदर। क्या था, काफ़ी सालों की बात है, एक फैमिली जो अमेरिका में रहती थी, कौन कौन? मदर, फादर एंड उनके 7 चिल्ड्रंस मीन्स 7 बच्चे लिव हैप्पीली टुगेदर, बहुत खुशी से एक साथ रह रहे थे। इन देयर फैमिली देयर वेर 2 बॉयज हु वेर वेरी इंटेलिजेंट। उनकी फैमिली में 2 बेटे जो क्या थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। दे लव आस्किंग क्वेश्चंस, दे ट्राई टू नो द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। उन दो बच्चों की खूबी क्या थी कि उन्हें किसी भी टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस करना काफ़ी पसंद था। यह चीज़ आज के बच्चों में भी होनी चाहिए, ये हमारा डजंट पार्ट, डजंट मैटर, ओके, स्टोरी से, बट ये एक है कि हर एक बच्चे में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना हो, किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो, उन्हें क्वेश्चन करना आना चाहिए। जब तक हम खुद होके कोई क्वेश्चन आगे से नहीं करेगा, आपको आगे से उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा, और सबसे पहले कोशिश, ट्राई करते रहना चाहिए, है ना, कि कौन सी चीज़ से क्या होता है, किससे क्या हो सकता है। ओके, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये इंटरेस्ट हमें बच्चों में होना चाहिए, बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये चीज़ होने चाहिए, है ना। तो वही चीज़ उन दो बच्चों में थी, वो क्या करते थे, किसी भी चीज़ को लेके कोशिश करना उनकी हॉबी थी, किसी भी चीज़ को देखकर उनके क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चंस करना उनकी हॉबी थी। वन डे देयर फादर ब्रॉट अ टॉय फॉर देम,
ही टोस इन इनटू द एयर एंड आस्क द बॉयज टू कैच इट। एक दिन की बात है, उनके फादर ने क्या लेकर आया, एक टॉय लेकर आए। टॉय मीन्स खिलौना। ही टोस्ट इन टू देयर एयर, है ना, वह कैसा खिलौना था, एयर में हवा में उड़ने वाला, ओके क्या था, खिलौना था। द बॉयज लुक एट द टॉय बट स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। क्या हुआ, बॉय ने, उन बच्चों ने अब तक काफ़ी सारे खिलौने देखे होंगे, बट पापा एक ऐसा खिलौना ले आए जो कि उन्होंने कैच किया तो वह हवा में क्या हुआ, उड़ने लगा। उड़ना मीन्स फ्लाई करने लगा। द टॉय डिड नॉट फॉल इन द ग्राउंड। वह टॉय कैसा, जमीन पे नहीं चल रहा था, वह क्या हो रहा था, आसमान में या रूम के अंदर जो होता है वहाँ पर घूम रहा था। ए फ्लू अक्रॉस रूम लाइक अ बर्ड। कुछ समय के लिए ऐसा लगा, उन्हें फील हुआ कि एक बर्ड क्या हो रहा है, रूम में घूम रहा है। इट फाइनली स्ट्रक द किलिंग फ्लोटेड लाइक अ बटरफ्लाई एंड फेल डाउन। उन्हें वह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि पापा ये कैसा खिलौना ले आए जिसे वह हवा में उड़ा सकते हैं, वह रूम के अंदर भी उड़ सकता है। एंड फेल इन डाउन मीन्स उड़ने लगा। द बॉय गॉट वेरी एक्साइटेड लुकिंग एट द फ्लाइंग टॉय। वह दो बच्चे, दो लड़के इतने एक्साइटेड हुए उस खिलौने को देखकर, कैसा देखकर, उड़ता हुआ देखकर, जैसे कि मानो एक पक्षी कमरे में उड़ रहा हो। दे नेवर थॉट दैट अ टॉय कुड ऑल्सो फ्लाई। क्या सोचा उन्होंने कि टॉय नहीं, दे नेवर थॉट दैट ए टॉय कुड ऑल्सो फ्लाई। वो सोच ही नहीं पाए कि एक खिलौना भी उड़ सकता है। That they decided that one day they will make a machine that will make people fly. उस दिन उन्होंने क्या किया, निश्चय किया, डिसाइड किया कि एक दिन हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें लोग फ्लाई कर सके, पीपल फ्लाई, है ना, जो आसमान में लोग उड़ सके। और आज की डेट में आज लोग उड़ रहे हैं ना एरोप्लेन के जरिए, कैसे कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, है ना। दे बोथ ग्रीव अप एंड वर्क वेरी हार्ड। मैनी टाइम्स दे फेल्ड बट दे ऑलवेज ट्राइड अगेन। क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी टाइम ग्रीव अप किया, मीन्स काफ़ी टाइम कोशिश की, बार बार कोशिश की, कई बार उनकी कोशिश नाकामयाब भी हुई, पर उन्होंने क्या किया, कोशिश करना नहीं छोड़ा, वह मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। आफ्टर 25 ईयर्स दे मेड द वर्ल्ड फर्स्ट एवर फ्लाइंग एरोप्लेन। उनकी कोशिश करने में वह क्या हुए, कामयाब हुए। और 25 सालों बाद, 25 ईयर्स आफ्टर, उन्होंने फर्स्ट क्या किया, एवर फ्लाइंग एरोप्लेन, फर्स्ट वर्ल्ड का एरोप्लेन बनाया जिसमें वह लोगों को क्या कर सके, उड़ाने वाली मशीन उन्होंने करके दिखाई। ये क्यों करके दिखाई, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल उस चीज़ में क्या किया था, बना लिया था कि एक दिन हमें मेहनत कर करके उस चीज़ को करके दिखाना है। उनमें वो कॉन्फिडेंट लेवल उन्होंने अपने आप में क्या किया, यस, बनाया, और आखिर उस कॉन्फिडेंट को उन्होंने पूरा किया 25 साल बाद, और वर्ल्ड का फर्स्ट एवर फ्लाइंग एरोप्लेन बनाया। क्या बनाया उन्होंने, पहला, हाँ, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट एरोप्लेन तैयार किया। डू यू नो हूज दिस बॉयज एवर, आपको पता है वो दो लड़के कौन थे, यस, दे वेयर और विल रिच्ड एंड विल्बर रिच। ये वो दो भाई थे जिनकी स्टोरी मैं आपको बता रही थी, और ये वो दो लड़के थे जिन्होंने उस टॉय को, खिलौने को उड़ते हुए कमरे में देखकर ये निश्चय किया, ये डिसाइड किया कि एक दिन हम अपनी मेहनत से यहाँ करके दिखाएंगे। और उन्हीं दो भाइयों की ये मेहनत आज 25 सालों बाद, उस 25 सालों बाद उन्होंने पूरी करके दिखाई, ओके। और उन दो भाइयों का नाम ऑर्विल रिच्ड एंड विल्बर रिच्ड, वी नो देम एज द रिच्ड ब्रदर्स।
क्या कहलाने लगे, वो लोगों को वरिष्ठ ब्रदर्स कहलाने लगे, पूरे देश के पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट। आप यह क्या करना, आपको ये टू नेम्स ओरविल ब्रिस्ट एंड विल्बर ब्रिस्ट, ये टू नेम्स बेटा जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नेम है, आप इसे याद करना। ओके, काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें आता है जनरल नॉलेज में, है ना। तो ये वो दो ब्रदर्स थे, आपके बुक में देखो पिक्चर दी हुई है, बनी हुई है, एक तरफ विल्बर है एंड एक तरफ ओरविल है, ये टू ब्रदर्स है, ये वही दो भाई हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, एरोप्लेन का निर्माण किया, इसे आकाश में उड़ने वाला क्या बनाया, पंछी, जो टॉय उन्होंने देखा था उसी पंछी को उन्होंने उस मशीन में कन्वर्ट किया, मेहनत करके बनाया, है ना, और उनकी वह क्या हुई, मेहनत कामयाब हुई। तो ये थी हमारी एरोप्लेन के ऊपर स्टोरी। ओके, ये शॉर्ट स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। आई होप सो कि आप इसे पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी नॉलेजेबल होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे, यस हम हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन के यूजेस देखेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था पेजेस के थ्रू बनाने की कोशिश करना, आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, ट्राई किया, यस या नो। ओके, ये थी हमारी द स्टोरी ऑफ फ्लाइट, है ना, जिसके क्या थे, ओके, ये दो बच्चे कहाँ रहते थे, अमेरिका में, है ना, किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, यस, इन्होंने क्या देखा था, पापा ने क्या लाए थे इनके लिए, एक टॉय ले आए थे, उसी टॉय को देखकर ये दोनों भाई इंस्पायर हुए कि हमें भी उस टॉय के जरिए क्या बनाना चाहिए, एक दिन हम एरोप्लेन बनाने की हम कोशिश करेंगे, ये सोच उनके दिमाग में आई और उसी सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की, काफ़ी बार नाकामयाब हुए, बट एक दिन क्या हुआ, आफ्टर 25 सालों बाद उन्होंने क्या करके दिखाया, उस सपने को पूरा करके दिखाया जो उन दो भाइयों ने मिलकर देखा था। तो ये है हमारी स्टोरी थी, आई होप सो आपको पसंद आई हो। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, आज के लिए इतना ही, आपको इसे फिर से सुनने की ज़रूर इच्छा होगी तो आप अपने ही YouTube चैनल पे इस स्टोरी को सुन सकते हो। ओके, नाउ हैव अ नाइस डे।